साइज आई थिंक वॉच तो है नहीं मेरे पास, साढ़े ग्यारह 12 हो गए होंगे। आज मैंने जल्दी काम कर लिया, मतलब आज मेरे पास कुछ भी काम नहीं था करने को। मेरी बैग सिर्फ वॉश करने को थी, तो वो अंजलि ने ऑलरेडी वॉश कर दी थी दिन को, जो कि मैंने उसको कहा था कि मत करे मैं खुद कर लूँगी। तो आके मैंने सिर्फ नहाया और एक दो बर्तन थे वो वॉश करे, और डिनर तो मैंने कैफे में कर लिया था। और अंजलि ऊपर टेरिस में थी, मुझे पता था, एक सेकंड के लिए मुझे लगा कहीं चली तो नहीं गई, फिर मुझे पता था कि ये बात तो कर सकती नहीं है, कहाँ जाएगी। सो ऐसे हैं, अभी तो फैन ऑन कर दिया है मैंने और नहा लिया है मैंने। यार यहाँ पे ना मुझे बहुत दर्द हो रही है, ऐसे पिंपल कभी हुए नहीं है। अब हम करेंगे ब्रश, ब्रश करेंगे हम, टूथ ब्रश करेंगे हम। मैं रात को ही सेंसोडाइन वाला टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ। वैसे इसको ऐसे पता क्या करते हैं, 5 मिनट तक अपने टीथ में लग रहने देते, उसके बाद ब्रश करते हैं, बट अभी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और एक चीज़, हमें ना रात को ब्रश ज़रूर करना चाहिए। सुबह तो हम सारे करते हैं और रात को ना काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं करते, कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ। सुबह हम अपने लिए ब्रश करते हैं और रात को हमें अपने दांतों के लिए करना चाहिए, क्योंकि रात को जब हम सो जाते हैं ना, तो हमारे जो भी दाने फंसा रहता तो वो कीड़े वगैरह लग जाते हैं। सो रात को ज़रूर ब्रश करना। ओके, मैं भी भूल जाती हूँ, बट कभी कभी भूल जाना इज़ ओके, बट डेली मत भूलना। ओके चलो। अच्छा, मैं भूल गई थी कि यहाँ वाला बल्ब फ्यूज हो गया, तो यहाँ से बंद करेंगे लाइट। ओके 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 गाइस, अब बैठेंगे यहाँ पे। ये वाली जो ड्रेस है ना, ये मैंने मिंत्रा से ली थी आई थिंक 1 ईयर पहले, और मुझे इतनी प्रिटी लगती है ना। बाहर के लिए मैंने बिल्कुल नहीं पहनी है, मैंने घर पे पहनी है स्पेशली नाइट में, तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल और इसका कलर मुझे बहुत प्रिटी लगा। सो गाइस, मैं कर रही हूँ लंच, और लंच में आज मैंने नहीं बनाया, अंजलि ने बनाया, उसको मैंने ही सजेस्ट करा था। ये टमाटर की चटनी है, जो आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेस्ट बना हुआ है इसका। बेसिकली जो चटनी है ना, कश्मीर में बनाते हैं लोग, वहाँ पे बहुत फेमस है, और ये बहुत यमी बनती है, और ये बहुत सिंपल है बनाना। आई थिंक मैंने अपने यूट्यूब में ऑलरेडी बता रखा है। टमाटर को पतला पतला काटना होता है, और ज़ीरा और हरी मिर्च, तो बहुत ज़्यादा यमी होती है। स्पेशली आप इस रोटी के साथ भी आप खा सकते हो, राइस के साथ भी, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। टिंटाना अभी थोड़ी देर पहले आई थी मैं घर लंच करने, तो मैं नहा भी गई क्योंकि बहुत गर्मी है, और अंजलि कहती है मैं बोर होगी, मैं कैफ़े चल जाती, तो वो कैफ़े चली गई और मैं अब थोड़ी देर रेस्ट करके जाऊँगी। तो मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। लंच मैंने कर लिया है, अब फ्रिज में इतने सारे फ्रूट्स हैं ना, जो मैं खा नहीं रही हूँ टाइम से। मेरा पेट ना बहुत फुल हो गया है। बहुत मज़ा आता है, बिना लस्सी के खाना भी नहीं खाते। चीनी, और मुझे भयंकर वाली नींद आ रही है। और पता क्या ना, लस्सी पीने का मन कर रहा है। आज मैं लस्सी लेके आई हूँ, हमने कैफे में भी लस्सी रखी है और यहाँ पे भी लेके आई हूँ। मैंने सोचा कढ़ी बनाएंगे मैं और अंजलि, मुझसे तो बनती नहीं कढ़ी अच्छे से। तो मुझे ना लस्सी से याद है कि गांव में दोनों इतनी सारी लस्सी होती है, अगर अब अपने घर पे लस्सी ना हो ना, तो मतलब पड़ोस में चाचा जी के किसी के घर से भी मांग सकते हैं, इतनी सारी लस्सी होती है, बहुत मज़ा आता है। मतलब बिना लस्सी के वहाँ पे खाना खा ही नहीं सकते हैं। वाओ, मस्त। गांव की यही अच्छी बात होती है कि आप मांग सकते हो किसी से भी। पौने 5 हो गए, तो अब सो तो सकती हूँ, अंधेरा कायम रहे। मैंने हेड वॉश कर लिया क्योंकि बड़े ऑयली टाइप लग रहे थे, तो मैंने वॉश कर लिया। अब मैं खाऊंगी ये। अब आए थे घर का सामान लेने, हमारे मोची में चप्पल देख लेते कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट, अंजलि बोलते फिर से मैं अपना फोन भूल गई।
अच्छा देखना, कोई दिखाता है पहले आई कोई पसंद। 212 30 कोड सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, एक सेकंड। ये अच्छा, 16। अब हम जा रहे हैं वापस। अभी देखना मौसम अंजलि कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है। सो ये सारे लोग आए बठिंडा से और मैं थोड़ा बिजी थी जब ये खा रहे थे, तो अब इन्होंने सारा कुछ फिनिश कर लिया एज यू कैन सी। तो आपको मेरे कैफे का फूड कैसे लगा? पक्का मैंने पैसे नहीं दिए बोलने के लिए, राइट? जबरदस्ती नहीं बुलवाया ना, पक्का अच्छा लगा। अच्छा जब फिर से आओगे फिर से आना, ठीक है? क्या हुआ? क्या क्या ये कह रहे थे पहले, चार और बुला लिए। हाँ हाँ परांठे अच्छे लगे ना, चलो चलो ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आओगे फिर भी आना, ठीक है? थैंक यू, थैंक्स फॉर विजिट। बज के हो गए 10 मिनट, मैंने कैफे कर लिया है क्लोज। मेरा मन कर रहा था गेड़ी मारने का और अंजलि सो जाती है, उसको है नहीं कुछ ऐसा इंटरेस्ट, तो मैंने सोचा मैं आगे तक जाके आती हूँ, 10 मिनट गेड़ी मार के फिर घर चली जाऊँगी। आइसक्रीम खाने का मेरा मन कर रहा था, कच्चा पक्का आम मेरा फेवरेट है, लाइक आइसक्रीम नहीं है वो बट मुझे बहुत पसंद है। देखती हूँ आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा है बट वो मिलती नहीं है ऐसे, मैंने 3-4 बार ट्राई भी किया था बट नहीं मिला। इस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली क्या होता है ना, मैं शाम के टाइम आई थी आई थिंक 7 बजे यहाँ पे, तो मैं KFC से बर्गर लिया था, मेरा मन कर रहा था, आई थिंक मैंने पिछले हफ्ते ही खाया था, तो KFC में एक भी इंसान नहीं था। अभी तो KFC बंद है बट यहाँ पे रश देख लो, ये वाली मार्केट बहुत हैपनिंग है। डिम सम बॉक्स देख लो, ये वाली मार्केट काफी हैपनिंग मार्केट है। तो मैं अब घर जा रही हूँ, आई थिंक मैंने 5 मिनट में ही यहाँ पे देखा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम, और शाम के टाइम कोई भी नहीं था तो, और यहाँ पे जाम लगा था लिटरली अभी। सो हम घर जाते हैं, अपना आराम से सो जाते हैं और सुबह उठ जाते हैं जल्दी। मैं सोच रही हूँ कि कल मैं पार्क जाऊँ बट रहने देती हूँ, शायद मैं नहीं जाऊँ, चलते हैं घर की तरफ। और मैंने एक कूल लड़की देखी बुलेट चलाते हुए जो कि बहुत कूल लग रही है, मुझे भी शौक है बट मेरी टांगे नहीं पहुंच पाएगी। सी वो कितनी क्यूट लग रही है और कूल लग रही है। मुझे ना जो कुछ चीज़ अच्छी लगती है मैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर ले, तो मैंने विंडो नीचे करके मैंने उसको बोल दिया था, इसके उसमें यू लुक सो कूल, शी वाज लाइक थैंक यू। सो या जब चलते हैं घर को, और अंजलि भी ना फैन के सोई है। अंजलि अंजलि तेरे को गर्मी नहीं लग रही है? तूने फैन क्यों नहीं ऑन किया है? क्यों नहीं ऑन करूँ क्या ना? क्यों हाय घर पहुंच चुकी हूँ और ऑलमोस्ट आई थिंक 11:30 हो गए और सुबह सब नहाते हैं फिर सो जाएंगे, कल है संडे तो थोड़ा ना मतलब 15-20 मिनट लेट ओपन करूँगी मैं कैफ़े। सो अभी फ़िलहाल नहा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं बाद में, ओके? और हमारी ट्यूब भी ख़राब होगी, अब न्यू लानी पड़ेगी, तुम्हारे पास एक बल्ब है इसके सहारे हम अपना व्लॉग बना रहे हैं।
जिन्हें वॉश कर अभी ये गिल्ला है। नहीं नहीं करिए, नहीं नहीं, बट कोई ना यहाँ पे बैठे गई। अभी मैंने फैन ऑफ करा है, बेडशीट आई थिंक दो दिन पहले ही चेंज करी है, तो एक दिन और चलूंगी, परसों मैं इसको वॉश कर लूंगी। थोड़ा डार्क डार्क लग रहा क्योंकि ना ट्यूब नहीं चल रही है, इसलिए आज मैं ब्लॉक एंड बेड के ऊपर से ही कर रही हूँ। आज मैं बैठती हूँ और मैंने नहा लिया है, कपड़े थे थोड़े से वो भी वॉश कर लिए हैं और रूम की थोड़ी बहुत सफाई करी। सो कल अंजलि की छुट्टी है, बस उसकी संडे को भी क्लास रहती है। तो गाइस अंजलि तो सो गई है, मैंने उसको जगा दिया था कि फ़ैन ऑन करो, कहती नहीं, तो अब मैं भी सो जाती हूँ। सो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।